नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। नवरात्र के इन पावन दिनों में हम आपको नवदुर्गा के सभी स्वरूपों की महिमा बताते हैं, उनकी खास पूजा विधियां भी बता रहे हैं। आज धर्म में हम बात करेंगे नवदुर्गा के सातवें स्वरूप यानी माँ कालरात्रि की। देवी का ये स्वरूप दिखने में जितना भयंकर है उतना ही कल्याणकारी भी है। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा से ही जैसा क्रूर ग्रह भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। माँ के आशीर्वाद की महिमा बस इतनी ही नहीं है, माँ कालरात्रि किस तरह से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं और नवरात्र में कैसे होगी देवी के स्वरूप की पूजा, आइए माँ से जुड़ी सारी खास बातें आपको बताते हैं। माँ दुर्गा का सबसे विकराल स्वरूप, भय को भी भयभीत करने वाला रूप, माँ कालरात्रि की पूजा खोलेगी सिद्धियों के द्वार। अद्भुत हैं माँ कालरात्रि के चमत्कार, जन्म जन्मांतर के पापों और विघ्नों का नाश करेंगी माँ कालरात्रि। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माँ कालरात्रि की उपासना से जीवन की हर बाधा, हर शत्रु से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए तो हम आपको देवी के सबसे भयानक लेकिन सबसे शुभ स्वरूप की महिमा बताने जा रहे हैं। गौर से देखिए, माँ कालरात्रि नवदुर्गा का सातवां स्वरूप है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये तीन नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की अद्भुत माला है। माँ के हाथों में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन गधा है। लेकिन ये हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। इस बार नवदुर्गा के सातवें स्वरूप की पूजा 8 अक्टूबर को की जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह का डर सता रहा हो, मन हमेशा आशंकित रहता हो या आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हो तो माँ कालरात्रि की पूजा आपके लिए अद्भुत कल्याणकारी हो सकती है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना बहुत शुभ होती है। माँ की उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है माँ कालरात्रि। ज्योतिष में शनि को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अद्भुत फलदायी है। माँ कालरात्रि भगवती का ऐसा स्वरूप है जिनकी उपासना से इंसान में ईश्वरीय शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। जी हाँ, माँ कालरात्रि की पूजा से आपको ईश्वरीय शक्ति मिल सकती है। कैसे, आइए बताते हैं। माँ कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को नियंत्रित करती हैं। ये चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक ले जाता है। इस चक्र तक पहुंच जाने पर व्यक्ति स्वयं ईश्वर हो जाता है। शनि ग्रह का संबंध इस चक्र से होता है, इसलिए शनि को मोक्ष कारक भी कहते हैं। देवी के हर स्वरूप की उपासना के कुछ विशेष नियम हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो उत्तम नियम से उपासना करके आप अपनी हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं और अपना भाग्य भी चमका सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्र कैसे करें माँ कालरात्रि की उपासना। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं, माँ को लाल फूल अर्पित करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। प्रसाद का आधा हिस्सा परिवार में बांटें और आधा हिस्सा किसी ब्राह्मण को दान कर दें। काले रंग के कपड़े पहनकर या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा ना करें। माँ काली की उपासना की विधि क्या है ये आपने जाना। आइए अब आपको बताते हैं माँ के उस विशेष प्रसाद के बारे में जिसे अर्पित करके आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद सबको गुड़ का प्रसाद बांटें। इससे सबकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो इस नवरात्र आप भी विशाल हृदय वाली माँ कालरात्रि को साधिए, फिर आपके सारे भय और विपत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी।
क्या आपको शत्रु और विरोधी परेशान कर रहे हैं? क्या आप शनि की पीड़ा से दो चार हो रहे हैं? तो माँ कालरात्रि की पूजा आपकी सभी समस्याएं दूर कर सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं माँ कालरात्रि की वो विशेष पूजा जिनसे आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे और शनि पीड़ा से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर शत्रु और विरोधी कर रहे हैं परेशान, कुंडली का शनि दे रहा हो कष्ट, तो माँ कालरात्रि की उपासना से आपकी हर बाधा दूर हो जाएगी। ज्योतिषियों का कहना है कि देवी के सातवें स्वरूप की उपासना से आप अपने शत्रुओं से बड़ी आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। सफेद या लाल कपड़े पहनकर रात में माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ के सामने दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार निवारण मंत्र का जाप करें और हर मंत्र के साथ एक लौंग चढ़ाते जाएं। निवारण मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र जाप के बाद 108 लौंग इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके विरोधी और शत्रु शांत हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में शनि की ढैया, साढ़े साथी या शनि दशा के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आप माँ कालरात्रि की पूजा से इनका भी उपाय कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं शनि की ढैया, साढ़े साथी या शनि की दशा से मुक्ति पाने का उपाय। माँ काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें। इसके बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर शनि की शांति की प्रार्थना करें। आपको शनि की ढैया, साढ़े साथी और बुरी दशा से मुक्ति मिलेगी। माँ कालरात्रि की उपासना शनि की शांति का अचूक उपाय है, तो देर किस बात की। माँ कालरात्रि को प्रसन्न कीजिए और हो जाइए शनि की हर पीड़ा से मुक्त, और साथ ही विरोधियों को भी कर लीजिए शांत। माँ कालरात्रि का रूप इतना प्रलयकारी क्यों दिखता है, और क्या माँ कालरात्रि और माँ काली एक ही हैं? इन सभी सवालों के जवाब आइए ढूंढते हैं। माँ का ये स्वरूप दुष्टों के लिए भयंकर है। पर भक्तों के लिए ये रूप मनोहारी है। लेकिन माँ का स्वरूप डराता नहीं। बल्कि आपके सारे डर दूर करता है। आपका कल्याण करती है माँ। माँ दुर्गा का सातवां रूप है माँ कालरात्रि। इनका यह स्वरूप दुष्टों के लिए महाभयंकर है। शरीर का रंग घने अंधकार के जैसा है। इनके बाल बिखरे रहते हैं और गले में बिजली से चमकने वाली माला है। वैसे तो माँ कालरात्रि का स्वरूप दिखने में बहुत भयंकर है, पर माँ का दिल अपने बच्चों के लिए ममता मई है। कहते हैं माँ कालरात्रि अपने भक्तों की काल से भी रक्षा करती हैं। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देती हैं। लेकिन जब माँ इतने कल्याणकारी हैं, तो उनका रूप ऐसा क्यों है? आइए आपको ये भी बताते हैं। काला कोई रंग नहीं होता, रंग का नहीं होना काला होता है। माँ के आगे और पीछे दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए वो काली दिखती हैं। माँ की सिद्धि प्राप्त करने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं होती है।
माँ कालरात्रि और माँ काली के रूप स्वरूप को लेकर लोगों के बीच एक भ्रम बना रहता है कि दोनों एक देवी के रूप हैं। तो क्या माँ काली और माँ कालरात्रि एक हैं या दोनों शक्ति के दो स्वरूप हैं? आइए ये आपको बताते हैं। माँ काली और कालरात्रि बिल्कुल भी एक नहीं हैं। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का एक स्वरूप है, जबकि माँ काली 10 महाविद्या का रूप है। माँ कालरात्रि की उपासना आम तौर पर साधारण और सरल है। माता को लौंग का प्रसाद चढ़ाने से फायदा होता है, जबकि माँ काली की उपासना कठिन भी है और तंत्र की साधना भी है। तंत्र की साधना में गलत पूजा से नुकसान हो सकता है। माँ कालरात्रि की पूजा कितनी कल्याणकारी है और क्या है नवदुर्गा के इस स्वरूप की महिमा, ये सब कुछ हमने आपको बताया। तो शक्ति के पूजा के इन बेहद खास दिनों में आप भी माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करें और पाएं माँ की असीम कृपा। धर्म के आज के अंक में बस इतना ही। अगली बार आपसे होगी मुलाकात नवदुर्गा के अगले स्वरूप से जुड़ी कुछ और खास बातों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।